morning children. Today we will start the new chapter soil. Okay. Soil, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, what is soil? First, what is the soil? Soil क्या होती है? Soil क्या होती है? Soil is gifted with the various of the natural resources. हमको जो soil है वो nature से मिलती है. Soil is one of the soil is one जो हमको natural nature से मिलने वाली चीज़ है उसमें एक soil भी है. After rain and water, जब बारिश होती है ज़्यादा या हवा बहुत तेज़ चलती है तो जो soil जो होती है वो जो पानी से चट्टानों के टुकड़े से महीन महीन रेते बनते हैं और जिसके कारण ये एक दूसरे से टकराने के कारण ये घिसते हैं और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स बनते हैं वो सॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाते हैं. आफ्टर रेन और वाटर, अगर हम रेन और वाटर की बात करें, सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो पानी और हवा के बाद सॉइल है, मिट्टी ही है. ऑल द लिविंग बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर देयर फूड. और ये जो सॉइल के ऊपर चाहे हम लोग डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं फूड के लिए, क्योंकि प्लांट्स से हमको फूड मिलता है और प्लांट्स की रूट जो होती हैं वो इन्हीं सॉइल में जाती हैं. सॉइल रूटेड इन द सॉइल, प्लांट्स रूटेड इन द सॉइल, प्लांट्स जो होते हैं इसी सॉइल में जड़ें निकलती हैं इनकी और जिसके कारण कि वो पानी और सूर्य की रोशनी की मदद से खाना बनाते हैं. वी गेट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सीरियल फ्रॉम द प्लांट्स, और हम प्लांट्स से फ्रूट वेजिटेबल्स सीरियल्स आदि को प्राप्त करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, अब बनते कैसे हैं सॉइल, सॉइल जो होते हैं इनको बनने में हज़ारों सालों का वक्त लगता है. ये एक दिन में कोई बन के तैयार नहीं होते हैं सॉइल. एंड इट लुक्स द मिनियर्स ऑफ द ईयर्स, ये करोड़ों साल लेते हैं बनने में. सॉइल इज़ फॉर्म बाय द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स इनटू द स्मॉल पीसेज, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ये रॉक बदलते हैं. दीज स्मॉल पीसेज ऑफ पार्टिकल फाइनली बाय द एक्शन ऑफ क्लाइमेट, ये क्लाइमेट की मदद वजह से ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं चट्टानों की रेत से और फाइनली जो होते हैं ये मिट्टी बनाते हैं. सॉइल इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत तरह की सॉइल मिलती होती है. यहाँ पर अलग अलग क्रॉप को उगाने के लिए अलग अलग तरह के सॉइल की ज़रूरत पड़ती है. यहाँ पर एक मैप है जिसकी मदद से ये आसानी से समझा जा सकता है. डिफरेंट कलर ऑफ मैप यहाँ पर दिया हुआ है और इससे पता चल जाएगा कि ब्लैक सॉइल कहाँ पर है, डिज़र्ट सॉइल कहाँ पर है, लैटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल. ये कलर से इसमें दिखाया गया कि कौन हिस्से में कहाँ पर, ये डिज़र्ट सॉइल, ये डिज़र्ट सॉइल है, ये ग्रीन कलर का माउंटेन सॉइल है. अलग अलग तरह के सॉइल्स यहाँ बने हुए हैं. रेड सॉइल है, ये सब रेड सॉइल है, ये सब ये रेड सॉइल है. ओके, तो इंडिया में अलग अलग तरह के सॉइल होते हैं. अबाउट सिक्स टाइप ऑफ द सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया एंड द फर्स्ट इज़ एलुवियल सॉइल. पहले सॉइल का नाम है एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया एंड मोस्टली फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन. ये बहुत उपजाऊ सॉइल है और ये नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है. नॉर्दर्न प्लेन और उसके साथ ही साथ ये कोस्टल प्लेन जो समुद्र के किनारे पर भी ये पाई जाती है. अ वराइटी ऑफ द क्रॉप सच एज राइस, वीट, मेज, शुगर केन, टोबैको, कॉटन, जूट, इस तरह की जो फसल हैं वो एलुवियल सॉइल में बनाई जाती है. ये उसके लिए बेस्ट है. जैसे ये ऑयल इस दी सॉइल उगाई जाती है, ये एलुवियल सॉइल. उसके बाद दूसरा है ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल इज़ फॉर्म फ्रॉम लावा. ब्लैक सॉइल जो होती है वो ज्वालामुखी के जो लावा निकलता है उसके कारण ये बनती है. हैंस इट इज़ कॉल्ड द ब्लैक सॉइल. ये ब्लैक सॉइल है, इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं और लावा सॉइल कहते हैं. इट इज़ जनरली क्ले डीप एंड द इम्पेरमिएबल. ये चिकनी होती है, काली होती है और चिकनी होती है, डीप मिलती है. दिस इनेबल्स टू रिटेन द मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. और इसमें बहुत दिनों तक मॉइस्चर जो होता है वो रहता है. एंड मेक्स इट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन. और ये कल्टिवेशन के लिए अच्छी होती है. ड्यूरिंग ड्राई सीजन, जब जब सीज़न सूखा होता है, इट डेवलप्स इनटू द वाइड क्रैक्स. ये इनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेगर और द ब्लैक कॉटन सॉइल. और इसको जो है हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें सॉइल कॉटन जो आती है ये उगाने के लिए सबसे बेस्ट ये सॉइल है.
और इंडिया के अधिकतर हिस्सों में कॉटन इसी सॉइल में उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त शुगर केन व्हीट और मेल्ट भी उगा इस सॉइल में पैदावार अच्छी होती है। दिस टाइप ऑफ द सॉइल इज़ फाउंडेड इन द डेक्कन प्लेटो, और इस तरह की सॉइल अधिकतर डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है।